गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू मालवा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में तुहाडा स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडी पाठ पुस्तक में शामिल पाठ 15वां रविंद्र नाथ टैगोर उस बारे पढ़ांगे। जिमें कि तुसी जानते हो कि हर स्कूल की सवेर की सभा दे विच जन गण मन जो राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, ये प्रसिद्ध रचना रविंद्र नाथ टैगोर की है। रविंद्र नाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक होने के नाते उन्होंने गुरुदेव टैगोर के नाम नाल भी जाना जाता है। सो प्यारे बच्चों, इस पाठ के राही रविंद्र नाथ टैगोर के जीवन बारे दसिया गया है कि उन्होंने केड़िया-केड़िया महान रचनावां दी लिखियां ते जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। हुण आपां पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हर स्कूल की सवेर की सभा के जन गण मन गाया जाता है, ये साडा राष्ट्रीय गीत है। इस दे लेखक रविंद्र नाथ टैगोर हैं। टैगोर कविता, कहानी, नावल और नाटक लिखते हैं। एक प्रसिद्ध लेखक होने के नाते उन्होंने गुरुदेव टैगोर कहा जाता सी। गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता विखे होया। उन्होंने माता पिता बहुत अमीर सन। टैगोर के पिता दविंद्र नाथ एक वड्डे व्यापारी सन। टैगोर का पालन पोषण राजकुमारां दी तरह होया। उन्हां दा घर राज महल वर्गा सी, जिस विच टैगोर का बचपन बीतिया। टैगोर के 13 भैण भरा उन्हां तों वड्डे सन। इस महल वर्गे घर विच उह सारे रल मिल के खेडदे सन। हाँ जी बच्चिओ, रविंद्र नाथ टैगोर का जन्म कदों होया सीगा? 7 मई 1861 ईस्वी नूं। कित्थे होया सी? कलकत्ता दे विच। उन्होंने पिता का की नाम से? दविंद्र नाथ टैगोर, जो एक वड्डे व्यापारी सन। रविंद्र नाथ टैगोर नूं जदों स्कूल पढ़न पाया गया तो स्कूल विच उन्हां दा मन ना लग्या। वह स्कूल ना जाण लई कोई ना कोई बहाना घड़ लैंदे सन। एक दिन उन्होंने स्कूल ना जाण दी व्यौत बनाई। उन्होंने अपनी जुत्ती दे विच पाणी पा लिया। वह जुत्ती पैरां विच पाई रखी ते उन्हां नूं बुखार हो गया। अगले दिन वह स्कूल ना गए। माता पिता ने उन्हां दी स्कूल दी पढ़ाई दा प्रबंध घर विच ही कर दिता। रविंद्र नाथ टैगोर जदों 11 साल दे सन तां उन्हां दे पिता जी लंबे सैर सपाटे लई उन्हां नूं अपने नाल लै गए। वह कई तीर्थ स्थानां अते वेखण योग थावां ते घूमदे होए पंजाब विच ही श्री हरिमंदर साहिब, श्री अमृतसर साहिब भी गए। श्री हरिमंदर साहब के पवित्र वातावरण का उन्होंने मन पर बहुत असर होया। वह किन्ना किन्ना चिर मंत्र मुग्ध होकर कीर्तन सुनते। वह डलहौजी भी गए। डलहौजी के पहाड़ी दृश्यों के झरनों की कलकल ने उन्हों का मन मोह लिया। विभिन्न रमणीक थावां की सैर करते जब वह घर वापस पुजे तो उन्होंने निक्किया निक्किया कवितावां लिखनिया शुरू कीतियां। इउं टैगोर ने अपनी स्कूली विद्या कुदरत दे अंग संग रह के ही पूरी की। रविंद्र नाथ टैगोर पढ़न लई इंग्लैंड भी गए पर छेती ही वह भारत वापस परत आए। हाँ जी प्यारे बच्चो, जदों उन्हां दी उम्र 11 साल दी सी तां वह अपने पिता दे नाल सैर सपाटे लई चले जांदे सन ते वह वख-वख तीर्थ स्थान ते वेखण योग थावां ते घूमदे होए हरिमंदर साहिब ही भी गए। हरिमंदर साहब के पवित्र वातावरण का उन्होंने मन उत्ते बहुत असर पिया ते वह किन्ना चिर ही मंत्र मुग्ध होकर कीर्तन सुनते रहे। इस तरह रविंद्र नाथ टैगोर ने जिहड़ी अपनी स्कूली विद्या सी वह कुदरत दे अंग संग रह के ही पूरी की। सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो दे विच आपां इत्थों तक ही पढ़ांगे। कल नूं नैक्सट वीडियो दे विच आपां अगे लैसन नूं पढ़ांगे। थैंक्स टू आल, हैव अ नाइस डे।